हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति को डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब त्रि मतलब तीन, आ कोण मतलब कोण हो गया, और मिति मतलब मापन, यानी तीन कोणों की माप के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो बात किया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक, और एबीसी त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक, अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोण मिति अनुपात 6 गो है। ठीक, 6 गो कौन कौन है, तो पहला देख लीजिए साइन थीटा, दूसरका है कॉस थीटा, और तीसरका है टैन थीटा। इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा, ये एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, साइन का होगा कॉसेक थीटा, इसका होगा सेक थीटा, और इसका होगा कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए, हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, हम लोग यहां पर याद रखेंगे लाल बटा काका, लाल बटा काका। एल से होगा लंब, ए से होगा आधार, आ के से होगा, यानी हम ये कह सकते हैं इसको के, आ इसको कहेंगे एल, आ इसको कहेंगे ए। तो देखिए, पहला वाला का मेरा होगा, हाई पहला वाला का है, यानी हाई मेरा यहाँ साइन का होगा ये लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक, और दूसरका का होगा ये वाला आधार बटा कर्ण, और तीसरका का ये होगा लंब बटा आधार। ठीक, अब ये जो है, जो इसके उल्टा है, तो इसको पलट के लिखेंगे कर्ण बटा लंब, इसका होगा पलट देंगे कर्ण बटा आधार, और इसका होगा आधार बटा लंब। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो अगला हम लोग को निकालने के लिए, मान लीजिए हमारे पास कर्ण है, तो इसका भी फॉर्मूला होगा हमारा, इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमको निकालना होगा लंब, तो यहां पर लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अगर हमको आधार निकालना होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, देखिए, जो हमें निकालना होगा वही फॉर्मूला यहां से देख के लगाएंगे। एक उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए वन, क्वेश्चन वन है, दिया है मान लीजिए यहां पर साइन थीटा बराबर 4/5,
ऑनियन निकालिए, ऑन माने सभी का निकालना है, अन्य का मान ज्ञात करें। ठीक, ये सवाल हो गया। तो देखिए, सबसे पहला काम हम करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे, बना दिए यहाँ ए बी और सी, हल देखिए साइन थीटा बराबर लॉम बटा यानी 4/5 हो गया। तो हम लोग को पता है यहां से, देखिए यहां साइन थीटा का मान है लॉम बटा कर्ण, तो हम यहां पर लिख दिए लॉम अब बटा में कर्ण। अब देखिए मेरे पास लॉम दे दिया है, लॉम 4 हो गया, और कर्ण दे दिया है 5 हो गया। क्या नहीं है? तो आधार नहीं है, आधार नहीं है। तो देख लेंगे शुरू में, यहीं से देख लेंगे, कर्ण है मेरे पास, लंब है मेरे पास, तो ये दोनों फॉर्मूला का कोई काम नहीं, ये आधार नहीं है, तो हमें आधार ही निकालना है, तो आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां लगा रहे हैं, देखिए आधार स्क्वायर बराबर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आधार तो पता ही नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पर एक्स रख दिए, तो एक्स के स्क्वायर बराबर कॉर्न, हमें पता है कॉर्न क्या है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस लंब पता है, तो लंब का क्या होगा, लंब 4 है मेरा, तो लंब के स्क्वायर इसका 25 होगा और इसका 16 होगा, ये स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, और ये घटा देंगे तो 9 इसमें से निकल जाएगा जोड़ा बना के, तो 3 निकल गया, यानी मेरा एक्स के मान कितना, 3 आ गया। ठीक, 3। अब देखिए हमारे पास क्या बात किया गया है कि सभी का निकालना है, तो यहां पर देखिएगा, यहाँ साइन साइन थीटा का मान तो हमें पता ही है, लॉम बटा कर्ण, तो लॉम यहां से है। ठीक, अब कॉस थीटा का मान देखना है, कॉस थीटा का मान क्या होगा, देखिए यहां पर फॉर्मूला हमारा है, यहां पर कॉस का क्या है, देखिए आधार बटा कर्ण, तो कॉस का आधार मेरा ये 3 हो गया और कर्ण मेरा 5 हो गया। ठीक, और टैन का देखिए, यहां टैन का क्या है, लॉम बटा कितना, आधार, तो लॉम कितना है मेरा, 4 है, टैन का टैन थीटा बराबर लॉम मेरा 4, आधार मेरा 3। इसी तरीका से इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, तो इसको पलट के लिख देंगे 5/4। अब इसका क्या उल्टा होता है, सेक होता है, सेक थीटा बराबर ये पलट देंगे 5/3, और इसके बराबर होता है कॉट थीटा बराबर 3/4। इस तरीका का आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए एक चीज और यहां पर होता है, यहां नोट्स ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स है, एक नोट्स नोट्स ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए मान लीजिए कोई हमको त्रिभुज दे दिया है, ये त्रिभुज दे दिया है ए बी और सी, और यहां पर मान भी हमें पता है। ठीक, जैसे यहां पर हमने ये देख लिए, ये 4 है और ये 5 है और ये 3 है,
अगर पूछता है एग्जाम में कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो देखिए साइन जी ए का कोण, जो जिस कोण से बात करेगा ना, जैसे ए कोण है, ए कोण की बात हुआ है, ए कोण, तो उसके सामने वाला लंब होगा, ये वाला लंब होगा, ये लंब। अगर साइन सी बोलेगा, साइन सी बोलेगा, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा। तो मान लीजिए ए के अनुसार, ए कहने का मतलब है ए कहेंगे तो उसके सामने वाला लंब होता है, साइन ए कह दिए तो ए के अनुसार ये वाला लंब हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन ए कोण के अनुसार हम लोग देखेंगे, ए के अनुसार लंब मेरा ये हो गया, यानी हम कह देंगे कि 3 बटा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं है, कर्ण वही रहता है, 3/5 हो गया। वही अगर बात करें साइन सी के अनुसार, सी सी के अनुसार लंब मेरा ये हो गया, तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला मेरा वही है, लंब बटा कर्ण है, लेकिन यहाँ कोण चेंज कर दिया है। तो ए के लिए मेरा लंब इसके सामने वाला था, सी के लिए मेरा लंब इसके सामने वाला है, तो यानी लंब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ सी के अनुसार, ये 4/5। देखिए ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक इस तरीका का ही सवाल पूछा जाएगा, जो कोण की बात किया जाएगा वो देखना है। अगर हम कहें कोण ए के अनुसार उसका लंब कौन सा होगा, तो उसके सामने वाला सी हो गया। तो जब ये लंब पता चल गया, तो जाहिर है कि ये कर्ण, कर्ण ये ही रहेगा, उसके बगल वाला एगो रह गया, वो आधार हो गया। अगर सी के बात करेंगे तो ये मेरा लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो गया। तो इस तरीका से हम लोग ध्यान देंगे, ठीक। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कॉमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।